हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रिप। बायजूस एग्जाम प्रिप के यूजीसी नेट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो केवल 12 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आप फुल फ्लेज फॉर्म में तैयारी कर रहे होंगे इस टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रिपरेशन यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिफोर वी बिगिन द सेशन। ऑल राइट, येस, हाई सिंगिंग प्रिपरेशन राजू, हाय हाय साहेब, हाय रिमी, गुड आफ्टरनून रिमी, ग्रेशमी गुड आफ्टरनून, राजनंदनी हेलो गुड आफ्टरनून, एंड कुमारी अमेरिका गुड आफ्टरनून, वर्षा गुड आफ्टरनून, रेनू, मॉम्स किचन, एस कुशवा, पद्मिनी, अशीम घोष, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वी आर ओनली 12 डेज अवे फ्रॉम द एग्जामिनेशन, तो अभी आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लेज फॉर्म में चलती रहनी चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। बस यही करना है, अपनी प्रिपरेशन को एज सिंपल एज पॉसिबल, बहुत ही सिंपल रखें अपनी प्रिपरेशन को। ओवर कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, अपने नोट्स पढ़ते रहिए एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। ऑलराइट गाइस, यस, तो हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। तो बिफोर वी बिगिन द सेशन, तो एक चीज मैं आपको पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए सेशन, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड बेनिफिट फ्रॉम आर सेशन। मोर इन्फॉर्मेशन, हमारा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री फॉर यूजीसी नेट बाय शिवांगनी मैम एंड अश्विनी सर। प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वी शेयर लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। हम यहाँ पे सेशन की इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करते हैं, प्लस कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, ये सब भी यहीं पे शेयर होती है। हमारे ऐप सेशंस होते हैं 11 बजे शुभांगनी मैम एंड आई, एंड यूट्यूब सेशंस होते हैं हमारे 3 बजे। तो आई होप आप सबको ये अब याद हो गया होगा। ऑल राइट, यस, तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन बिगिन। यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हेलो जो ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। यस, सो किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी बिगिन द सेशन तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। कुछ भी आपको पूछना चाहें, ऑलराइट, देन वी विल बिगिन द सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चंस अर्ली मिडिवल वर्सेस लेटर मुगल्स के। तो अर्ली मिडिवल, मिडिवल इंडिया का ही पार्ट है पूरा, एक तरीके से बोल सकते हैं अर्ली मिडिवल एंड लेटर मुगल्स। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारी बैटल ऑफ हिस्ट्री की सीरीज, जो ऑनगोइंग सीरीज चल रही है, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, एक एक एरा को कंपेयर करते हैं दूसरे एरा के साथ, जैसे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस समथिंग एल्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो आज हम करने वाले अर्ली मिडिवल वर्सेस लेटर मुगल्स, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं गाइस, प्लीज जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। यस, ऑल राइट गाइस, यस, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। यस, आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यस यस, सिंगिंग में पैशन कोई इश्यू नहीं है, टेलीग्राम के ऊपर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट अस थ्रू टेलीग्राम। दिन पे दिन मार्क्स कम होते जा रहे हैं अमरीका कुमारी के, ऑल राइट, कोई बात नहीं अमरीका, अगर मार्क्स कम भी हो रहे हैं, एक बड़ी चीज है अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वो मेन चीज होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, अभी भी आपके पास 12 दिन है, मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, अभी भी मॉनिटर करते रहिए, लेकिन जो मिस्टेक्स हैं उनको ओवरकम करना है। मेन मोटिव ये होता है हमारा मॉक्स अटेम्प्ट करने का एंड प्रीवियस ईयर करने का, जो भी कोई वीक एरियाज है उनको ओवरकम करना है। ऑल राइट, यस यस, संडे तो क्लास नहीं थी, इस संडे तो क्लास नहीं थी, संडे हमने यूपीएचई असिस्टेंट प्रोफेसर का एनालिसिस किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए उसको। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कैसा आता है वैसे भी देख लीजिए, बिकॉज आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, जैसे यूजीसी नेट क्लियर कर जाओगे तो आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल ओवर इंडिया। तो जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको उनका ध्यान रखना है, जैसे कि यूपीएचसी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हुआ है, ऐसी और भी एग्जाम्स होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिनकी एलिजिबिलिटी खाली यूजीसी नेट ही होती है, दे डोंट वांट, दे पीएचडी वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पीएचडी रिक्वायरमेंट जो होती है वो एपीआई स्कोर के बेसिस पे होती है, वो अलग नोटिफिकेशन आते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें 2000 वैकेंसी निकलती है, 3000 वैकेंसी निकलती है, वो यूजीसी नेट के बेसिस पे लिया जाता है। ऑल राइट गाइज, तो अगर किसी ने यूपीएचसी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो हमने टेलीग्राम में डाला हुआ है, तो आप प्लीज टेलीग्राम पे जाइए एंड देख लीजिए। ऑल राइट, यस, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑल राइट, रेडी गाइज, तो लेट्स स्टार्ट। तो अर्ली मिडिवल वर्सेज लेटर मुगल्स, तो अर्ली मिडिवल के भी क्वेश्चन होंगे एंड लेटर मुगल्स के भी क्वेश्चन होंगे, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ज्योग्राफिकल यूनिट्स ऑफ द स्टेट इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ज्योग्राफिकल यूनिट्स का।
चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक इकाइयों का सही घटक्रम है, तो जो घट्टक्रम के अंदर बताना है, तो उसमें कुर्रम हो गया, कोट्टम, मंडलम एंड नाडु, इनको अरेंज करना है, चार चारों यही दिया हुआ है, इनको अरेंज करना है आपको। यस, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द टाइमर। यस यस, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यस, आंसर आने शुरू हो गए हैं। यस, दिस इज एन इजी वन गाइस। जिनको नहीं मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर, प्लीज एक बार एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, एंड अगर चोला एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई दिक्कत है तो उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, यस। तो डी 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 सी डी सी डी, तो मोस्टली लोगों ने डी दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, मंडलम, कोटम, नाडु एंड कुर्रम। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, बहुत ही बहुत सिंपल डिवीजन है, मंडलम सबसे ऊपर है, फिर कोटम है, फिर नाडु एंड फिर कुर्रम है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज्योग्राफिकल यूनिट्स का, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का है। ऑलराइट गाइस, तो कुछ और भी जान लेते हैं हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, एम्परर और किंग वॉज एट द टॉप, ये हमेशा टॉप पे होता था, चाहे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, चाहे मुगल एम्पायर की बात करें, किंग हमेशा टॉप पे होता था। ऑल अथॉरिटी रेस्टेड इन हिज हैंड, सारी अथॉरिटी उससे उन्हीं के हाथ में होती थी। ही ऑफन वेंट ऑन टूर्स इन ऑर्डर टू कीप बेटर टच विद द एडमिनिस्ट्रेशन, हमेशा टूर पे जाते थे, जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर भी लोग थे, हम दिल्ली सल्तनत के अंदर भी लोग करते थे, टूर पे जाते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन का जायजा लेने के लिए। तो चोला रूलर्स अपॉइंटेड ब्राह्मण्स एज स्पिरिचुअल प्रसेप्टर और राजगुरु, किंगडम्स गाइड। राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन मेंशन द नेम्स ऑफ राजगुरुज और एंड सर्व शिवाज इन देयर इंस्क्रिप्शन। तो राजा राजा वन ने एंड राजेंद्र वन ने इनके नाम भी मेंशन किया अपनी इंस्क्रिप्शन के अंदर। चोला किंग्स ग्रांटेड ह्यूज इस्टेट्स ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स, और उनको ब्रह्मदेव बोला जाता था और चतुर दिमंगलम्स, तो ये उनको बोला जाता था। आई होप आप सबको मालूम हो गई ब्रह्मदेव। यस, एंड प्रोविंसेस के बारे में देख लेते हैं। चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम्स एंड ईच मंडलम में वलनाडु एंड कोटम, एक ही चीज होता है। ऑलराइट, तो मंडलम, वलनाडु, नाडु, यस, एंड ईच नाडु वॉज और नंबर ऑफ ऑटोनोमस विलेज, नाडु को फिर ऑटोनोमस विलेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता था। फिर द रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर्स वर इन चार्ज ऑफ द मंडलम, वाला नाडु वॉज अंडर द पेरियनेटर एंड नाडु वॉज अंडर नेटर। ऑलराइट, द टाउन नोन एज नगरम एंड इट वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल कॉल्ड नगरटर। यस, ऑलराइट गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो जिस किसी के, देखो आपने वो एक्टिविटी चालू कर दी है कि जिस किसी के भी अगर करेक्ट हो रहा है तो +2 ले लीजिए, एंड अगर नहीं हो रहा है तो 0 लेके चलिए। तो ऑनेस्टली आपको आंसर करने हैं सारे। यस, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। चोला मेंटेन्ड लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्स, विच वर कॉल्ड द थ्री लिम्स ऑफ द आर्मी। ऑलराइट, द ट्रैवलर मार्को पोलो यहाँ पे आया था, एंड दैट ऑल द बॉडी गार्ड्स ऑफ द किंग बर्न देमसेल्व्स इन द फ्यूनरल पायर ऑफ द डेड किंग। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए मार्को पोलो के बारे में। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग टैक्स, चोला अंडर टू एक्सटेंसिव लैंड सर्वेज एंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, बहुत ज्यादा लैंड सर्वेज एंड ये किया हुआ था चोला ने, बहुत बड़े पैमाने पे किया था। फिर राजा राजा वन एंड कोलुटुंगा एंड कोलुटुंगा थर्ड अपॉइंटेड पीपल फॉर लैंड सर्वे, सो दैट द लैंड कुड बी क्लासिफाइड एंड असेस्ड फॉर पर्पस ऑफ टैक्सेशन। ऑलराइट गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। पहला क्वेश्चन क्लियर है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन देन। यस, विच अमंग द फॉलोइंग चोला किंग हैड सेंट एन एनवॉय टू चाइना, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने चीन में अपना दूत भेजा था। तो विजयल्य, राजेंद्र वस्त एंड राजादित्य एंड अरिणेज। यस, लेट्स सी। यस यस पद्मनी, राइट, बेस्ट नेवी सिस्टम एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यस यस, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आंसर करते रहिए साथ साथ। यस, बी 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 सब आने शुरू हो गए। यस, ऑसम गाइस, वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज, जैसे कि लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताया है, बी, राजेंद्र फर्स्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चोला, हु अमंग द, विच अमंग द फॉलोइंग चोला किंग हैड सेंट एन इनवाइट टू चाइना, दिस इज राजेंद्र फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं राजेंद्र फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यस, तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इनका टाइम पीरियड प्लीज याद कर लीजिएगा, टाइम पीरियड है स्पेसिफिक नहीं आएगा, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आ सकता है, बिकॉज चोला, चोलास के बहुत सारे किंग थे, एंड किंग में जो उनके जो नाम है उसमें कंफ्यूजन हो सक्ती है, तो इस वजह से इसकी, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो याद रख लीजिएगा कौन सा किंग पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। ऑलराइट, तो
तो राजेंद्र फर्स्ट कंडक्टेड द मोस्ट स्ट्राइकिंग मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स आफ्टर द एक्सेशन इन 1023 बाय हिज एक्सपेडिशन टू नॉर्थ इंडिया. ही डिफीटेड महिपाल फर्स्ट ऑफ बंगाल. ऑलराइट, टू कमेमोरेट दिस सक्सेसफुल नॉर्थ इंडियन कैंपेन राजेंद्र फाउंडेड द सिटी गंगाईकोंडा चोलापुरम. यस, आप सबको मालूम होगा ये तो. कंस्ट्रक्टेड द फेमस राजेश्वर टेम्पल. राजेश्वरम टेम्पल भी बनाया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, उनकी सिटी भी फाउंड की थी उन्होंने. एक अनदर फेमस वेंचर ऑफ राजेंद्र वॉज हिज नेवल एक्सपेडिशन टू कदरम और श्रीलंका. यस, ही गॉट द टाइटल ऑफ कदरम गोंडा. ही कॉल्ड बे ऑफ बंगाल एज चोलामंडलम. यस, ही एनेक्स्ड टोटल सेलोन, पूरा का पूरा एनेक्स कर लिया था उन्होंने. ही एस्टैब्लिश्ड मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एम्पायर. फॉर दिस ही गॉट द टाइटल पंडिता चोला. आई ऑल राइट गाइस, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. यस, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. विच पोर्ट वॉज रिनेम्ड एज कोलातुंगा चोलापट्टिनम. किस बंदरगाह का नाम बदलकर कोलातुंगापट्टिनम कर दिया गया था? तो नागापट्टिनम है, मामल्लापुरम है, विशाखापट्टिनम है एंड कावेरीपट्टिनम है. यस, ऑल राइट गाइस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, लेट्स सी. यस, +2-0 साथ साथ करते रहिए गाइस. देन हम आखिरी में स्कोर चेक करेंगे, किसने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं एंड किसने थोड़ा मिडिल स्कोर गया है, लो स्कोर गया है, तो इससे आपकी अपनी भी चेक करते रहेंगे प्रिपरेशन को. यस, लेट्स सी. एंड यस, एंड द करेक्ट आंसर इज, जो कि मोस्टली लोगों ने सही दिया है, विशाखापट्टिनम. ऑलराइट गाइस, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोला किंग कोलोथुंगा फर्स्ट द प्रेजेंट विशाखापट्टिनम वॉज नोन एज कोलोथुंग चुंगला पत्तिनम. चक्रवर्ती कोलोतुंगा चोलादेवा वॉज द 11th century मोनार्क ऑफ द चोला एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया. ही वॉज वन ऑफ द सोवरेन्स हू बोर द टाइटल कोलोतुंगा, लिटरली मीनिंग द एग्जॉल्टर ऑफ दिस रेस इन तमिल. यस, ऑल राइट गाइस, आई होप अगेन क्लियर हो गया होगा आपको. अगर किसी क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो प्लीज नोट डाउन करते रहिए कौन से ऐसे एरियाज है जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिससे कि आप अपनी वीक को ओवरकम कर सके सेशन के बाद. ऑल राइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द सोसाइटी ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर. निम्नलिखित में से किस लेखक ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के समाज पर विस्तार से लिखा है? तो अल मसूदी, इब्न बतूता, फारिस शिदयाक एंड अब्दुल रजाक. यस, अगेन सोर्सेस से क्वेश्चन है, ये राष्ट्रकूटा एम्पायर के ऊपर है एंड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिकॉज सोर्सेस फेवरेट पार्ट होता है यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर. यस, ऑल राइट, ए सी ए बी उखो, काफी कंफ्यूजन है एंड मोस्टली लोगों ने सही दिया है. दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, मोस्टली लोगों ने सही दिया है. अल मसूदी इज द करेक्ट आंसर. राष्ट्रकूटा एम्पायर पे किसने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है? द आंसर इज अल मसूदी. तो अल मसूदी अ सेंट्रल अरब हिस्टोग्राफर ऑफ इंडिया हु पर्सनली विजिटेड इंडिया. ये पर्सनली विजिट किए थे इन्होंने, इन्होंने राष्ट्रकूटा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड मुल्तान भी इन्होंने विजिट किया था. ऑल राइट गाइस, यस, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. द चोला इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंट्रोल बाय डेजिग्नेटिंग जोन्स इन विच कोट्टम वॉज चोल के क्षेत्रों को नामित करके नियंत्रण के विभिन्न संरचना का क्रमिक विकास किया, जिसमें कोट्टम को डैश कहा जाता था. तो क्या कहा जाता था? अर्बन स्पेस, रूरल स्पेस, हिली रीजन, पेस्टोरल कम एग्रीकल्चर स्पेस, शहरी स्थान, ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पशुपालक से कृषि क्षेत्र. यस, लेट्स सी. +2-0 करते रहिएगा गाइस साथ साथ, +2-0 करते रहिएगा साथ साथ. ऑल राइट, बी डी, ओके, सारे आ चुके हैं आंसर, ए बी सी रह गया है बस. तो मोस्टली लोग बी एंड डी पे हैं, मोस्टली लोग बी एंड डी पे हैं. ऑल राइट, एंड द टाइमर इज अबाउट टू स्टॉप. यस, द टाइम इज अप. तो कोट्टम किसे कहा जाता था? कोट्टम कहा जाता था पेस्टोरल कम एग्रीकल्चरल स्पेस, पेस्टोरल कम एग्रीकल्चरल स्पेस. थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको जाना पड़ेगा. आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे रूरल एरिया, रूरल को लेके एंड इसको लेके. कोट्टम को स्पेसिफिकली बोला जाता था पेस्टोरल कम एग्रीकल्चर स्पेस. ऑल राइट गाइज, यस, तो यस, तो दिस वॉज दैट.
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्लस टू एंड जीरो करते रहिए गाइस, साथ साथ प्लस टू एंड जीरो करते रहिए, इसका एक्सप्लेनेशन देने की कुछ ऐसी जरूरत है नहीं। तो आई विल मूव टू सिक्स क्वेश्चन देन। यस, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सातवाहनास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, वकटकास। तो इसको अरेंज करना है, निम्नलिखित राजवंशों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सातवाहनास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास एंड वकटकास ये दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस के अंदर ये दिए हुए हैं। अगर आपको दो भी मालूम है इसके अंदर, अगर आपको दो भी मालूम है, दो डायनेस्टीज भी, तो आप उसको इजीली अरेंज कर पाओगे। यस लेट्स सी। यस प्लस टू एंड जीरो साथ साथ चलता रहिए, चलता रहना चाहिए गाइस। पांच क्वेश्चंस हो चुके हैं, 10 क्वेश्चंस पे एक बार हम देखेंगे किसके कितने मार्क्स हैं, देन एक एंड पे देखेंगे। ऑलराइट, तो दो पार्ट के अंदर हमने सेशन को डिवाइड किया हुआ है। Yes. अगर आपको दो भी मालूम है तो इसको इजीली अरेंज कर पाओगे। एंड द करेक्ट आंसर इज, जो कि मोस्ट लोगों ने सही दिया है, मोस्टली लोगों ने सही दिया है, एंड द आंसर इज सी। देखिए, सातवाहना सबसे पहले है, ये तो मालूम ही आपको, एंड इनमें सबसे बाद में कौन है, राष्ट्रकूटास। बस दो को याद कर लीजिए एंड आपका इजिली आंसर आ जाएगा। एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको ये ट्रिक्स यूज करनी है, जरूरी नहीं आपको सारी स्टेटमेंट्स आती हो, ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है, चांसेस ही नहीं है कि सारी स्टेटमेंट्स आती होंगी, तो आपको कुछ इलिमिनेट करने होते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है एंड कोशिश कीजिए कुछ चीजें इलिमिनेट हो जाए वहां से, एंड देन ट्राई टू आंसर। यस, तो सातवाहनास ये तो आपको मालूम है, सातवाहनास के बाद वकटकास आए थे एंड दे कंसिडर्ड देमसेल्स एज ब्राह्मण एंड फॉलोड ब्राह्मणिकल रिलीजन, फिर उनके बाद आए थे फॉलोड बाय चालुक्यास और बादामी, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेक्कन हिस्ट्री अंटिल 757, एंड देन राष्ट्रकूटास। ऑल राइट, यस। सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चोलास, द चोलास कंट्रोल द सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, पिकॉक वॉज देयर एम्बलम, देयर कोर एरिया ऑफ रूल वॉज द कावेरी डेल्टा लेटर नोन एज चोलामंडलम, देयर कैपिटल वॉज हुरियर। यस, ध्यान से गाइस पढ़िए इस क्वेश्चन को, देन ट्राई टू आंसर। अगर कुछ कुछ इलिमिनेट हो रहा है तो इलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद देखिए कि आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। यस, हिंदी में देख लीजिए, चोलों ने तमिलनाडु तमिलनाडु के मध्यम और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया, मोर उनका संप्रतीक था, उनके शासन मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिससे बाद में चोलमंडलम के नाम से जाना जाता था, उनकी राजधानी उरियर थी। यस, द टाइमर हैज स्टार्टेड, प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, जिससे कि इंटरेक्टिव वे में हम देख सकें किसने किया है एंड किसने गलत किया है। यस, ADAD, ओके, ADAD, बिल्कुल बिल्कुल सेट पैटर्न आ रहा है, ADAD, आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं, यही आ रहा है बिल्कुल। ऑल राइट, अगेन ADAD, अब तो पैटर्न सेट हो गया है। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज डी, डी करेक्ट आंसर है। देखिए, यस, डी करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है, सिंपल सा है। देखिए, पीकॉक वॉज देयर एम्बलम, ये तो नहीं था, फिश था। चोलामंडलम कंट्रोल द सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, हाँ ये तो सही है। तो मुझे लगता है लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुई है सेकंड में, अगर सेकंड आपने इलिमिनेट कर दिया है तो आप कहाँ पे गए हो फिर, ए एंड डी पे गए हो। सेकेंड अगर आपने इलिमिनेट किया है तो ए एंड डी पे गए हैं, देन उसके बाद एक स्टेटमेंट और इलिमिनेट करना था, द कोर एरिया ऑफ द रूलर रूल वॉज कावेरी डेल्टा। यस ये तो राइट है बिल्कुल, लेटर नोन है चोलामंडलम, ये तो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, देयर कैपिटल वॉज और यार। यस, इसमें क्या दिक्कत हुई गाइस, जिन लोगों ने ए दिया था इसमें क्या दिक्कत हुई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूज कीजिए, थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज कीजिए। जो भी आपने चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा है, कैपिटल उनकी अरियर थी, उरियर थी, कावेरी डेल्टा पे ही था उनका कोर एरिया, एंड उसको बाद में चोलामंडलम बोला जाता था, एंड तमिलनाडु में ही मोस्टली बेस्ड थे, पीकॉक तो था ही नहीं उनका एम्बलम, तो ये तो इजी है गाइस। तो ऑल राइट गाइस, यस, या कावेरी डेल्टा, चोलामंडलम कैपिटल एरियर थी, एंड टाइगर वॉज देयर एम्बलम, सॉरी टाइगर वॉज देयर एम्बलम, फिश था पांड्यास का, फिश था पांड्यास का। यस, फिश पांड्यास। ऑल राइट, यस, किंग करिकल वॉज अ फेमस किंग ऑफ द संगम चोला। ऑल राइट गाइज, यस यस, किंग फिश पांड्यास का था। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटेड फॉर एग्रेरियन क्राइसिस ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। एग्रेरियन क्राइसिस लेटर मुगल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम हियर।
17वीं शताब्दी के दौरान उत्पन्न कृषि संकट का निम्न में से कौन सा कारण था? तो मन मॉनिटरी फ्लक्चुएशन, इनबिल्ट वीकनेस इन जागीर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ऑल ऑफ दीज। ऑल राइट, यस, लेट स्टार्ट। चोलास का था उज्जवल, यस यस यस। अविनाश ने सिंबल ही बना दिया टाइगर का, दिस इज गुड। ऑल राइट, तो लेटर मुगल से क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज लेटर मुगल्स में देख लीजिएगा। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से थ्योरीज जो एसोसिएटेड है, इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, जादूनाथ सरकार, इनकी थ्योरीज जो एसोसिएटेड है उनको एक बार कर लीजिएगा गाइस, बिकॉज हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऑल राइट, एंड द करेक्ट आंसर इज टी, सबके सब एक रीजन क्राइसिस से रिलेटेड है, मॉनिटरी फ्लक्चुएशन, जागीर सिस्टम की तो वीकनेस थी, सबसे बड़ा रीजन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का जागीरदारी क्राइसिस ही माना जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, इसी की वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हो गया था, एंड मॉनिटरी फ्लक्चुएशन हुई, तो जागीरदारी क्राइसिस से ही हम सब कुछ एसोसिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड जागीरदारी क्राइसिस की थ्योरी किसने दी थी? प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, किसने दी थी जागीरदारी क्राइसिस की थ्योरी? यस, मॉम्स किचन ने भी सही लिखा है, अथर अली ने भी दी थी, एंड एग्रीरियन क्राइसिस इरफान हबीब ने दिया था। यस ऑसम अविनाश, वेरी गुड। बाकी और बताइए थ्योरीज, थ्योरीज बताइए डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में किसने दी थी? यस यस यस, प्लीज ट्राई टू आंसर। सतीश चंद्रा, यस ऑसम, थैलेसीमा, ऑसम। पद्मनी, इरफान हबीब ने एग्रीरियन क्राइसिस की दी थी, एग्रीरियन क्राइसिस की इरफान हबीब ने दी थी। आर एस शर्मा नहीं एसोसिएटेड है, सिमरन गुप्ता यहाँ से, यस। अंजलि, सतीश चंद्रा, यस। इरफान हबीब एग्रीरियन क्राइसिस, ऑल राइट, यस। पथु, सतीश चंद्रा, शेखर सतीश चंद्रा, यस। अतर अली ने भी दिया था, शेख सुल्ताना, यस। ऑल राइट गाइस, यस। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक? निम्नलिखित में से किस शहर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी? तो हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर एंड मेरठ, यस। यस, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फिरोज शाह तुगलक से सिटीज एसोसिएटेड है, यस। ये तो इजी है, ये तो 100% कंसेंसस होना चाहिए इसके ऊपर। तो प्लीज एक बार फिरोज शाह तुगलक से जो सारी सिटीज एसोसिएटेड है वो सारी याद कर लीजिएगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी राइन का ये। डी इज द करेक्ट आंसर, मेरठ। ये तो मेरठ के बारे में, रावण, रावण्स वाइफ होम बोला जाता है, रावण की ससुराल बोला जाता है मेरठ को, यस। ऑल राइट, 10th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग चोला किंग हैड कंस्ट्रक्टेड बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर? निम्नलिखित में से किस चोल राजाओं ने थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोत्तुंगा एंड राजाधिराजा। ऑल राइट, लेट्स सी इन द कॉमेंट सेक्शन। यस, ऑल राइट, यस नमिता, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप हमारे सेशन अटेंड करते रहिए, देखिए आपको एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, देन आपको याद आएगा, अगर ये तो मैम के साथ एंड सर के साथ किया था क्वेश्चन। ऑल राइट, यस, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट, जो काफी लोगों ने सही दिया है, काफी लोगों ने सही दिया है। ऑल राइट, तो बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वरम और पेरू पेरुवंदलम कोवल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, शिवा के लिए डेडिकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी रिवर पे एसोसिएटेड है तमिलनाडु के अंदर। ये सबसे बड़ा टेम्पल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ साउथ टेम्पल इसे बोला जा सकता है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट्स आर्किटेक्चर इज द विमाना, विमाना ऑफ द टेम्पल। इट डज नॉट कास्ट अ शेडो ऑन द एट नून, नून में शेडो नहीं कास्ट करता है, ये इसकी एक खासियत है। द टेम्पल किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट एंड हैज चोला फ्रेस्को ऑन इट्स वॉल पोर्ट्रेइंग वेरियस फेसेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट गाइस, यस, लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो प्लीज अपने स्कोर एक बार लिख दीजिए, देन वी विल मूव टू द 11th क्वेश्चन। यस, तो पद्मनी के 8 क्वेश्चन ठीक है 10 में से। ऑल राइट, यस यस, 14, यानी कि सफिशिएंट ठीक है, 14 मार्क्स, 14 0 प्लस 2 0, कोई इश्यू नहीं, ऐसे करते रहिए। लेट्स सी,
राजू राजू राजमन की 18 सही है, सिमरन के 7 सही है 10 में से, रेमा खातूर 14, बाहर शाह 16, पर्व 16, कुमारी 6। ऑल राइट, दिस इज ऑसम, अच्छे स्कोर है, दिस इज वेरी गुड स्कोर। हीना चौधरी 8, दिस इज ऑल्सो गुड। यशिका चौधरी के सारे सही है, तो आपका कितना है भाई, 20/20? यस। अंजलि 5/5, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ऑल राइट, तो हम 10वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं गाइस। तो यू नो द ड्रिल कि जब हम हाफ में पहुंच जाते हैं, तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू ही मिलती है सेशंस की। ऑलराइट गाइस, तो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। यस, लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया? इमीडिएट रीजन बताना है अहमद शाह अब्दाली का, क्यों आक्रमण किया था उन्होंने, एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से एसोसिएटेड है, ही वॉन्टेड टू वेंच द एक्सपेल्शन बाय मराठाज ऑफ हिज वॉइस रॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। द फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जलंधर अदीना बेग खान इन्वाइटेड हिम टू पंजाब। ही वॉन्टेड टू पनिश मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ शहर महल। ही वॉन्टेड टू एनेक्स ऑल द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब अप टू द बॉर्डर ऑफ डेली टू हिज किंगडम। यस, अहमद शाह अब्दाली। यस, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन एकदम इमीडिएट रीजन बताना है। वह लाहौर से अपने वायस रॉय तैमूर शाह का मराठों द्वारा किए गए निष्कासन का बदला लेना चाहता था। जलंधर के हताश राज्यपाल आदीम बेग खान ने उसे पंजाब पर हमला करने के लिए न्योता दिया था। वह 4 महल गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान ना करने के लिए मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहता था। वह पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को दिल्ली की सीमा तक राज्य से मिलाना चाहता था। ऑल राइट, यस, लेट्स सी कितने लोग सही कर पाते, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर थर्ड थर्ड पानीपत बैटल किसी ने किया होगा तो वो इसको इजिली कर पाएगा। यस, लेट्स सी। तो लोगों ने बी दिया है, मोस्टली बी एंड ए जा रहे हैं, ए एंड बी जा रहे हैं। यस, ए एंड बी जा रहे हैं मोस्टली लोगों के। यस, देख लेते हैं एक बार। एंड द करेक्ट आंसर इज, एंड द करेक्ट आंसर इज ए। सिंपल सा है करेक्ट आंसर, देखिए जो करेक्ट आंसर ए है। ही वॉन्टेड टू अवेंज द एक्सपेल्शन ऑफ मराठास ऑफ हिज वॉइस रॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। बहुत सिंपल है, इमीडिएट कॉज यही था। ऑल राइट, यस, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा कमांडर सदाशिव राव, ये तो आपको मालूम ही है, 1761 के अंदर हुआ था। ही वॉन्टेड टू अवेंज द एक्सपेल्शन बाय मराठा, जो मराठा ने एक्सपेल किया था उनके वॉइस रॉय तिमूर शाह को लाहौर से, इसके लिए ये सबसे बड़ा रीजन था अहमद शाह अब्दाली का इन्वेड करने का। ऑल राइट गाइज, यस, +2 0 साथ साथ करते रहिएगा, +2 एंड 0, +2 एंड 0 साथ साथ करते रहिए, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहे हो सीखने को मिलता है गाइज। ऑल राइट, यस, हु वॉज द मुगल एम्परर विन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? जब बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब मुगल बादशाह कौन थे? अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर टू, मोहम्मद शाह आलम टू? यस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटर मुगल प्लीज कर लीजिएगा, लेटर मुगल्स क्वेश्चन आना ही आना है, लेटर मुगल से क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा, कौन सा रूलर किस टाइम था एंड कौन सा इवेंट किसके टाइम पे हुआ था ये भी याद कर लीजिएगा। यस, लेट्स सी, बी 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 आने शुरू हो गए हैं। ओके, 100% कंसेंसस होना चाहिए इस पे, तो गाइस डी भी आ गए हैं, डी भी आ गए हैं, बी भी आ गए हैं, तो कंसेंसस नहीं है, एंड द आंसर इज अजीजुद्दीन आलमगीर टू। तो गाइस प्लीज, अगर किसी क्वेश्चन ने गलत हुआ है तो लेटर मुगर की क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए, एंड क्रोनोलॉजी के साथ ये भी याद कीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट किसके टाइम पे हो रहा है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी किसके टाइम पे हुआ था? अजीजुद्दीन आलमगीर टू, ये याद कर लीजिए। शाह आलम मत लगाइए, मुझे मालूम था कि बहुत लोग शाह आलम टू लगाएंगे। यस, तो अजीजुद्दीन आलमगीर टू वॉज द 15th मुगल एम्परर, एंड इनका राइन कब से कब तक है? 54 से 59 तक, सन ऑफ जहानदार शाह। इन 56 अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया वंस अगेन एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड प्लंडर्ड मथुरा।
Mathura became more powerful because of their collaboration with Imadu Malik and dominated the whole of northern India. ये this was the peak of Maratha expansion. यहाँ पे Maratha सबसे ज्यादा sorry Marathas की बात हो रही है. Marathas sorry yes Maratha expansion का peak था ये. Relation between Alamgir II and his usurping wazir Imadul Malik had now deteriorated. Unki relation kharab ho gayi thi. He was murdered by Imadul Malik. Alamgir II's sons Ali Gauhar escaped persecution from Delhi while Shahjahan III was placed in the throne. All right guys, to plus 2-0 karte rahiye saath saath. And एक चीज और करनी है आपको, लेटर मुगल सारे याद करने, क्रोनोलॉजी याद करनी है एंड उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद करने हैं. 13th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अलीवर्दी खान. देखिए अगेन लेटर मुगल से क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान के ऊपर क्वेश्चन है. इन 1728 शुजाउद्दीन प्रमोटेड मोहम्मद अली टू फौजदार ऑफ राजमहल एंड एंटाइटल्ड हिम एज अलीवर्दी खान. अलीवर्दी खान वॉज अ पैटर्न ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीना एंड होल ड्रम्स. तो कौन सा इनमें से सही है? यस लेट सी. यस राइट यस. अलीवर्दी खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. 1728 में शुजाउद्दीन ने मोहम्मद अली को राजमहल के फौजदार के रूप में ऊंचा ओहदा दिया और उसे अलीवर्दी खान के रूप में नामित किया. अलीवर्दी खान विभिन्न संगीत विद्यालयों जैसे वीणा और खोलदार ढोल का संरक्षक था. नीचे दिए गए कुटों का सही कथन चयन कीजिए. यस यस. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे गाइज जो रिपीट होंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए. मेक श्योर दैट कि क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो आप सही करें, बस यही. क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर भी रिपीट होंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो हम कराते हैं वो रिपीट होंगे एग्जामिनेशन के अंदर भी. तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन गलत ना करें. यस एंड द करेक्ट आंसर इज ओके. अभी भी बहुत लोगों ने गलत किया है. ओके एंड द करेक्ट आंसर इज सी. दोनों स्टेटमेंट सही है. शुजाउद्दीन प्रमोटेड मोहम्मद अली फौजदार के रूप में उन्हें प्रमोट किया था राजमहल के एंड और उन्हें अलीवर्दी खान का ओहदा गया था. अलीवर्दी खान एस्पायर्ड फॉर लार्जर अथॉरिटी. आपको अलीवर्दी खान के बारे में मालूम ही है. ऑलराइट एंड इन 1714 द बैटल ऑफ गिरिया ही डिफीटेड एंड किल्ड शुजाउद्दीन सक्सेसर सरफराज खान. सरफराज खान को उन्होंने हराया था बैटल ऑफ गिरिया में. दस ही टुक कंट्रोल ऑफ बंगाल एंड बिहार. तो उन्होंने बंगाल और बिहार का कंट्रोल लिया था. देन ऑन 3 मार्च 1741 ही डिफीटेड रुस्तम जंग डेप्यूटी गवर्नर ऑफ उड़ीसा. रुस्तम जंग को इन्होंने हराया था जो कि डेप्यूटी गवर्नर थे उड़ीसा के एंड अ रिलेटिव ऑफ सरफराज खान इन द बैटल ऑफ फुलवारियो. उड़ीसा और नाउ इट इज उड़ीसा ऑल्सो केम अंडर अलीवर्दीज कंट्रोल. अलीवर्दी खान वॉज अ पैटर्न ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा एंड खोल. ये न्यू इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए गाइस, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा. एंड ही ऑल्सो पैटर्नाइज मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द शाहनामा. ऑलराइट, तो प्लीज प्लस 2 एंड 0 साथ साथ करते रहिए गाइस. प्लस 2 एंड 0. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कंपोज्ड कवि रहस्य ड्यूरिंग द राइन ऑफ राष्ट्रकुटा कृष्ण थर्ड. राष्ट्रकुटा कृष्ण तृतीय के शासनकाल के दौरान कवि रहस्य की रचना किसने की थी? यस लेट्स सी. यस ऑल राइट. सी डी सी सी ओके. सी 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 ओके. बी सी 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 ऑल राइट. एंड द आंसर इज हलयुद्धा. तो ज्यादातर लोगों ने सही दिया है आंसर. सी सही आंसर है. यस तो प्लस 2 एंड 0 गाइस. ऑल राइट, तो ऑनेस्टली आपको +2 एंड 0 यहाँ पे देना है बिकॉज ऐप के ऊपर तो हमें मालूम चल जाता है क्योंकि आप वहां पे पोल पे आंसर करते हो. यहाँ पे आपको ऑनेस्टली देना है +2 एंड 0. तो यस इसका आंसर है हलयुद्धा. तो कवि रहस्य किसके टाइम पे कंपोज किया गया था, किसने कंपोज किया था कवि रहस्य? राष्ट्रकुटा कृष्ण थर्ड के टाइम पे, हलयुद्धा. यस, तो राष्ट्रकुटा ने बहुत संस्कृत पैटर्नाइज किया था. त्रिविक्रम भट्टा रोट नाला चंपू. हलयुद्धा कंपोज कवि रहस्य कृष्ण थ्री के टाइम पे. देन जीना सेना कंपोज परवस बुद्धिया अ बायोग्राफी ऑफ परवसा इन वर्सेज. जीना सुना ने आदिपूर्णा भी लिखा था लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंट्स. यस प्लीज इन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते रहिए साथ साथ बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन सक्कतियाना रोट अमोगा वृत्ति ग्रामर वर्क
वीरा चन्ना अ ग्रेट मैथमेटिशियंस ऑफ दिस पीरियड रोट गणित आश्रम ड्यूरिंग दिस पीरियड एट राजकोटा कन्नड़ लिटरेचर सॉ इट्स बिगनिंग। तो कन्नड़ लिटरेचर की बिगनिंग यहीं पे शुरुआत हुई थी राजकोटा के टाइम पे ही। कवि राजमार्ग कंपोज बाय अमोघ वर्षास वॉज द फर्स्ट पोएटिक वर्क। ये तो आई होप सबको मालूम ही होगा ये वाला। तो कवि राजमार्ग दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पंपा वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कन्नड़ पोएट एंड विक्रम सेना विद्या इज इज फेमस वर्क पंपा का इस काम है। एंड देन शांतिपूर्ण वॉज अनदर ग्रेट वर्क रोड बाय पोना अनदर फेमस कन्नड़ पोएट। ऑल राइट गाइज, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिली है तो उसको साथ साथ लिखते रहिए एंड याद कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन है। तो असर्शन को एक बार ध्यान से देखिए एंड रीजन कीजिए। मराठा स्टेट अपॉइंटेड हिंदूज ऑन हाई पोस्ट एंड मेड मराठा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ पर्शियन। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द मलिक अम्बेर रिफॉर्म्स इन अहमदनगर। यस, तो आई होप सबको ट्रिक मालूम होगी असर्शन एंड रीजन वाली। दोनों स्टेटमेंट को देखना है एंड ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक स्टेटमेंट गलत हो गया फिर तो इजिली आप किसी को मार्क कर पाओगे। यस, मराठा राज्य ने हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया और फारसी के बजाय मराठा को आधिकारिक भाषा बना दिया। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर के में मलिक अंबर सुधारों से प्रेरित हैं। यस, आराम से पढ़ना है असर्शन रीजन आराम से पढ़ना है एंड देन ट्राई टू आंसर। यस बी डी ओके। काफी कंफ्यूजन है, काफी कंफ्यूजन है, बी एंड डी के अंदर काफी कंफ्यूजन है। ऑल राइट, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बी करेक्ट आंसर है। देखिए गाइस, मराठा स्टेट अपॉइंटेड हिंदूज ऑन हाई पोस्ट एंड मेड मराठी, इसमें क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और ये भी सही है। हमने बहुत सेशंस के अंदर ये किया है कि शिवाजी ने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो मलिक अंबेर के रिफॉर्म से ही प्रभावित थे। ऑल राइट, तो दोनों सही है लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो कनेक्शन नहीं है, इस वजह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो प्लस टू एंड जीरो साथ साथ करते रहिए, प्लस टू एंड जीरो, एंड सेशन को लाइक भी साथ साथ करते रहिए एंड शेयर भी करते रहिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज आपके खाली 12 दिन बचे एग्जामिनेशन के एंड बहुत सारे ऐसे सेशन होते हैं जो हम अभी लाने वाले हैं, तो किसी का सेशन मिस ना हो जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ऑल राइट, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। यस हाँ जी, तो मराठा स्टेट अपॉइंटेड ये तो मालूम है आपको, बहुत पोस्ट ओवर आया था एंड मराठी उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था एंड दे प्रिपेयर देन ओन स्टेट क्राफ्ट डिक्शनरी जिसका नाम था राजा व्याकरण कोश। द मराठी एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी स्टडीड अंडर थ्री हेड, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तीन तीन तरीके से हम उनको पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। इट वॉज फाउंडेड बाय शिवाजी फॉर द साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द डक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अम्बेर का था, मलिक अम्बेर का था। ऑल राइट, आई होप ये तो सबको मालूम होगा, अष्टप्रधान। यस, 16th क्वेश्चन। देखिए लेटर मुगल से आया है, जिसने लेटर मुगल किया हुआ है वो इसको इजीली कर पाएगा। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, रफ्यू रफ्यूज दर्जत रफ्यूज रफ्यूज दौला अकबर टू एंड मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत पास पास है ये चारों, बहुत पास पास है। नमिता, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो आप एक्सपेक्टेड ही मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप सेशन को लास्ट तक अटेंड करते रहिए एंड अपने आप भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिए। ऑल राइट, यस यस यस। तो आई होप जैसे आपने क्वेश्चन को देखा होगा आपने क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज कर लिया होगा, बहुत सिंपल है क्रोनोलॉजी में अरेंज करना अगर आपने लेटर मोगल्स पढ़ा हुआ है। एंड द आंसर इज ए, जो बहुत लोगों ने सही दिया है। यस दिस इज ऑसम गाइस, अगर आपने सही दिया आंसर तो प्लस टू एंड जीरो साथ साथ करते चलिए, प्लस टू एंड जीरो।
एंड देख लीजिए अकबर के औरंगजेब के बाद कौन आया था, बहादुर शाह आए थे 1707 में, देन फारूक सियार आए थे 1713 में, देन रफी उस दर्जत आए थे 1719 में, देन रफी उद्दौला आए थे उसी ईयर में उनके बाद ही, जस्ट उनके बाद ही, एंड फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने रूल किया था 1748 तक, फिर अकबर टू आए थे उन्होंने रूल किया था 1806 से 1837 तक। और भी जो रूलर्स हैं उनके भी नाम याद कर लीजिएगा गाइस, औरंगजेब के बाद सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए आपका। ऑलराइट यस, असर्शन एंड रीजन है अगेन, वेसल स्टेट्स वर अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स एंड प्रोटेक्टोरेट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ बंगाल सल्तनत अंडर द सुजरेनिटी ऑफ द सुल्तान ऑफ बंगाल। द फर्स्ट बंगाली सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह डिफीटेड द रूलर्स ऑफ उड़ीसा एंड एक्सटेंडेड हिज रियाल अप टू द चिल्का लेक। यस अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा इसको। यस यस, बंगाल सल्तनत की सीमा में बंगाल के सुल्तान के अधीनता में जागीरदार राज्य कई सहायक एवं संरक्षक राज्य की तरह थे। पहले बंगाली सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह ने उड़ीसा के शासकों को हराया और अपने दायरे की ओर चिल्का झील तक बढ़ाया। यस लेट सी, चीटिंग करके मत कीजिए अमेरिका, चीटिंग करके क्यों सॉल्व करने ऐसे क्वेश्चन अगर कोई और सॉल्व कर रहा है तो, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ी ना फायदा आप चीटिंग कर पाओगे। यस कोई फायदा नहीं है, ऑनेस्टली आपको यहाँ पे आंसर देने हैं एंड ऑनेस्टली ऑनेस्टली अपने मार्क्स काउंट करने हैं। ऑल राइट यस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। ओके ए एंड बी में काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं ए एंड बी के अंदर। देखिए वेसल स्टेट्स वर नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, ये तो आपको मालूम ही है वेसल स्टेट्स क्या होते थे, जो ट्रिब्यूटरी स्टेट्स होते थे और एक तरीके से प्रोटेक्टोरेट होते थे जो पेरिफेरल एम्पायर के, तो बंगाली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑलराइट तो ये तो सही है बिल्कुल। द फर्स्ट बंगाली सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह डिफीटेड द रूलर्स ऑफ उड़ीसा एंड एक्सटेंडेड हिज रियाल अप टू द चिल्कालिक। देखिए ये कैसे, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, तो ये कैसे हो जाएगा फिर, ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, तभी तो बी जाएगा। मैंने आपसे ये तो बताया कि दोनों में रिलेशन होनी चाहिए, वो उसको एक्सप्लेन करता होना चाहिए, फर्स्ट को सेकंड एक्सप्लेन करे तभी वो ए होगा। ऑल राइट गाइस यस प्लीज असर्शन रीजन में कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा प्रैक्टिस थोड़ा। यस तो वेसल स्टेट्स क्या होती थी, ट्रिब्यूटरीज होती थी, पेरिफेरियल एरियाज में होती थी बंगाली सल्तनत के अंडर द सुजरेनिटी ऑफ सुल्तान ऑफ बंगाल। डायरेक्ट कंट्रोल वॉज नॉट एस्टैब्लिश, डायरेक्ट कंट्रोल होता ही नहीं था, थोड़ी सी ऑटोनॉमी उन्हें दी जाती थी। तो वेसल स्टेट्स हैड मुस्लिम्स हिंदू एंड ब्रिटिश रूलर्स, तीनों के तीनों जो धर्म थे उनके रूलर्स थे, बंगाल के अंदर यही तीन धर्म डोमिनेट थे। द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द मोस्ट नोटेबल वेसल स्टेट्स इन द साउथ वेस्ट, उड़ीसा वॉज प्रोमिनेंट इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ बंगाल सल्तनत। द फर्स्ट बंगाल सल्तनत सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह डिफीटेड द रूलर्स ऑफ उड़ीसा, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको याद कर लीजिएगा गाइस। यस तो उन्होंने चिल्कालिक तक अपनी जो रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, उन्होंने जजपुर एंड कटक में भी अटैक किया था। इलियास शाह वापस आए थे फिर रिटर्न टू बंगाल एंड प्लंडर्स फ्रॉम उड़ीसा इंक्लूडिंग 44 एलिफेंट्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन हुसैन शाह। उड़ीसा वॉज अ वेस्टर्न स्टेट ऑफ बंगाल। ऑल राइट बाकी तो सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। यस ड्यूरिंग द करनी डायनेस्टी उड़ीसा वॉज द सीन ऑफ बैटल ऑफ सकोरोई एंड ट्रीटी ऑफ कटक बिटवीन मुगल एंड बंगाली सल्तनत इन 1575। ऑल राइट यस यस, कोई बात नहीं, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तभी तो नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट तो लेट्स मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। ज़ेबुन निसा चूज टू लिव वॉलंटियरली विद शाहजहां एंड लेटर लेटर वॉज अवॉर्डेड ग्रेट ऑनर बाय औरंगजेब। ज़ेबुन निसा वॉज द सिस्टर ऑफ शाहजहां। अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए एंड तब आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस ज़ेबुन निसा ने शाहजहां के साथ स्वेच्छा से रहना चुना और बाद में औरंगजेब द्वारा उसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। ज़ेबुन निसा शाहजहां की बहन थी। यस लेट सी, सेम टेक्निक यूज करनी है असर्शन रीजन के अंदर जो भी हमने बताई है। यस
ऑल राइट, BAC, CBC, यस, एंड द करेक्ट आंसर इज यस, राइट यशिका, राइट, यस, करेक्ट आंसर इज सी। तो मोस्टली लोगों ने सही दिया है, मोस्टली लोगों ने सही दिया है, यस। सिंपल सा फैक्ट है, जैबुन निशा वॉज अ मुगल प्रिंसेस। देखिए जैबुन निशा पे क्वेश्चन आज आज आ सकते हैं, अभी का तो परसों UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, HESC। ऑल राइट, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था जैबुन निशा, तो इसको इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मुगल प्रिंसेस थी एंड द एंडलेस चाइल्ड ऑफ एम्परर औरंगजेब एंड हिज चीफ कंसोर्ट दिलरस बानो बेगम। ऑल राइट, शी वॉज ऑल्सो ए पोएट एंड उन्होंने किस नाम से लिखी कविता है, मैं कफी। जैबुन निशा चूज टू लिव वॉलेंटरली विद शाहजहां एंड लेटर वॉज अवॉर्डेड ग्रेट ऑनर बाय औरंगजेब। तो मैं कफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए गाइस, मैं कफी किससे एसोसिएटेड है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग फॉट द बैटल ऑफ वेनी। निम्नलिखित में से किस चोल राज्य ने वेनी की लड़ाई की थी, राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजा राजा चोला, करिकला, विजयाल चोला। यस, प्लस टू एंड जीरो करते रहिए साथ साथ गाइस। यस, सी सी डी, ओके, सी सी सी, ऑल राइट, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। तो मोस्टली लोगों ने सही दिया आंसर, करिकला से एसोसिएटेड है बैटल ऑफ वेनी। यस, दिस इज ऑसम। अगेन अकॉर्डिंग टू पोरुनेर पताई, करिकला चोला फॉट अ ग्रेट बैटल ऑफ वेनी इन विच बोथ पांडियन एंड चेरा किंग सफर्ड अ डिफीट। ऑल्दो वी नो वेरी लिटिल अबाउट द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस बैटल, देयर कैन बी नो डाउट दैट इट मार्क द टर्निंग पॉइंट इन करिकला कैरियर्स। तो करिकला के कैरियर से सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यही है, तो इसको याद कर लीजिएगा गाइस। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपने सारे स्कोर लिखने हैं सभी गाइस को। तो लेट्स सी अगेन, असर्शन रीजन है द कलचुरी किंग गंगदेया वॉज फेमस एज विक्रमादित्य, ही इश्यूड गोल्ड कॉइन्स ऑफ लक्ष्मी टाइप। अगेन ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। कलचुरी के राजा गंगदेव विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे, लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है, आई होप अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये ठीक कर पाओगे आप। अगर आपको आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी असर्शन रीजन के ठीक से अटेम्प्ट किए होंगे, ये तो ठीक से हो ही जाएगा फिर। यस, लेट्स सी। CABABB, ओके, कंफ्यूजन है इसके अंदर भी, कंसेंसस नहीं है बिल्कुल भी। ऑल राइट, एक बार देख लीजिएगा, एक बार जिसका भी गलत हुआ है क्वेश्चन। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर बी है गाइस। तो थोड़े बहुत लोगों ने सही दिया है, यस, तो बी काफी लोगों ने दिया है। यस यस यस, देखिए अगेन मैंने भी बताया, देखिए ये जो भी कोई लोग ए आंसर कर रहे हैं, ये देखिए ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये उसको एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रही है, एक्सप्लेन करना चाहिए ना, तभी तो ये रिलेशन में आएगा। द कलचुरी किंग गंगादेव वॉज अ फेमस एज विक्रमादित्य, तो कुछ ऐसी चीज हो जो इसको एक्सप्लेन करे, तभी तो ये आएगा रीजन। ऑल राइट, ही इश्यूड गोल्ड कॉइन्स ऑफ लक्ष्मी, हाँ दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से बी आ जाएगा। ऑल राइट, तो यस, दिस वॉज अस, 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। तो हाँ जी, तो प्लीज राइट योर स्कोर इन द कॉमेंट सेक्शन, कितना स्कोर हुआ है। सुल्ताना 15 आउट ऑफ 20, अगेन वेरी ऑसम। गौरव शर्मा 20 20 आउट ऑफ 20, दिस इज गुड। सचिन कश्यप 18 आउट ऑफ 20, ओके। बुलबुली +2, यानी कि 30 स्कोर हो गया। ऑल राइट, दिस इज अगेन गुड, 36 गुड, 15 बाय 20 गुड, वेरी गुड। पद्मनी गुड, यस, 17 बाय 20। तो हाँ मैं लिख देता हूँ कि किसका स्कोर अच्छा रहा होगा, जिसने भी 20 में से 12 क्वेश्चन ठीक किए हैं उसका स्कोर अच्छा है, 12 क्वेश्चन जिसके भी सही है उसका स्कोर अच्छा है, ऊपर है वो, आई मीन वी कैन से दैट उसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ऑल राइट, तो 18 बाई 20 सचिन कश्यप, दिस इज गुड। अविनाश 28, गौरव 10,
कोई बात नहीं गौरव, थोड़ा इम्प्रूव कीजिए अपने स्कोर को। यस पर 24, यस, ऑल राइट दिव्या 15/19, गुड गुड, दिस इज अगेन गुड। मौसमी बैनर्जी 30, दिस इज गुड, यस। तो हमारा सेशन ओवर हो चुका है, अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना है। तो यूजीसी हिस्ट्री फॉर यूजीसी नेट बाय शुभांगनी मैम एंड अजय सर, हिस्ट्री फॉर यूजीसी नेट बाय शुभांगनी मैम, अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आ जाएगा। ऑल राइट एंड अश्वनी सर, यस। ऑल राइट गाइस, तो कल मिलते हैं फिर, कल भी एक नया सेशन होगा ऐसे ही बैटल ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए अपना, ज्यादा पढ़ना है अभी तो, बिकॉज एग्जामिनेशन खाली 12 दिन ही दूर है। यस बाय बाय गाइस।